हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी नाइस एंड वेरी गुड। सो बच्चों, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है क्लास नाइन्थ का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसका पार्ट टू, दैट इज सेल ऑर्गेनल्स। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में जब हमने पढ़ा था, हमने नेक्स्ट पिछले क्लास लिया था, उसमें मैंने आपको बताया था जो सेल होते हैं हमारे, वो कैसे उनके, मतलब मैंने आपको उसके डिस्कवरी के बारे में बताया, मैंने उसके सेल के बारे में कुछ एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, ठीक है? कि सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो क्या होते हैं और कितने तरह के सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, ठीक है? तो मुझे लग रहा थोड़ा अभी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर आ रहा होगी, सारी चीजें क्लियर आ रही है, आवाज मेरी आ रही है क्लियर, मेरी वीडियो सही है? मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बता दीजिए सब कुछ क्लियर सही आ रहा है ना, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, कमेंट करके सब कुछ सही है क्लियर है, आवाज़ मेरी क्लियर है, वीडियो सही आ रहा है, मुझे बताएंगे सभी लोग। ओके फाइन, सो हेलो एवरीवन, दैट इज हियर विद अस, दैट इज प्रयाग, प्रयाग रोशन एंड देन विदिका। ओके फाइन, तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सेल ऑर्गेनल्स। मैं आपको सेल के बारे में, मैंने डिस्कवरी सेल की बता दी है आपको, सेल के बारे में बताने जा रहा हूँ कि सेल ऑर्गेनल्स जो हैं हमारे, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स का फंक्शन क्या क्या है, ठीक है? तो यही चीज़ों के बारे में अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप सभी लोगों को, ठीक है? सभी लोगों को क्लियर है ये बातें? एक मिनट वेट करिए। चलो तो बच्चों शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के, और देखते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Various kinds of cell show special differences, yet they all show some basic structural plan where may be expressed in the term of generalized cell. The generalized cell consists of three essential parts: the cell membrane, that is also called plasma membrane, nucleus, and cytoplasm. Cytoplasm. Okay. See what happened. What is here? यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई है बच्चा, वो ये लिखी हुई है कि जो सेल होते हैं, आपको पता है जितने भी सेल हैं सारे के सारे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, सभी की अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, सभी की अलग स्ट्रक्चर होती है, अलग फंक्शन होती है, आपको पता है सभी का। तो जितने भी हमारे सेल्स हैं वो अलग स्ट्रक्चर परफॉर्म करती हैं, अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं और एक्सप्रेस्ड होती हैं, उसको हम कहते हैं जर्नलाइज्ड सेल, ठीक है? अभी भी नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? अब प्रयागराज नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? Now fine. So, देखो बच्चों, जो सबसे essential part है हमारे cell के अंदर, मतलब essential का मतलब जो सबसे important part है हमारे cell के अंदर, वो कौन कौन सी है? कुछ चीजें हैं जो हमारे cell के अंदर काफी important चीजें हैं, वो है हमारे cell membrane, वो है हमारा nucleus और वो है हमारा cytoplasm, ठीक है? तो ये जो है ये काफी important part है हमारे cells के, ठीक है? तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके साथ बच्चों, ये सब तो इम्पोर्टेंट चीज़ों को, उसके साथ हमारा जो सेल है उस सेल में बहुत सारे ऐसे भी पार्ट्स होते हैं जो उसको हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, मतलब कि सेल ऑर्गन्स कहते हैं, ठीक है? सेल ऑर्गन्स और सेल ऑर्गेनल्स एक ही चीज़ें होती हैं, क्लियर? क्लियर हुआ आपको? आई थिंक थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, ओके अभी आ रहा है क्लियर? तो बच्चों जो सेल के बारे में बता रहा था, सेल की जो अंदर की जो पार्ट्स होते हैं, सेल के जो हमारा सेल होता है, ठीक है, सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो जो सेल के अंदर वाली पार्ट्स होती हैं हम उसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स या फिर सेल ऑर्गन्स, ठीक है? मोस्ट ऑफ द पार्ट हैव सेल ऑफ डेफिनेट शेप,
एंड अ डेफिनेट स्ट्रक्चर एंड डेफिनेट फंक्शन, सच पार्ट आर कॉल्ड ऑर्गेनल्स। देखो बच्चे, जो हमारी सेल्स हैं, ठीक है, सारे सेल्स के अंदर सभी सेल्स के एक डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, सभी सेल ऑर्गन्स का डिफिनेट एक फंक्शन है, सभी सेल्स की जो भी अंदर है सभी सेल्स का एक डिफिनेट क्या है, एक शेप है, ठीक है, तो इसी को हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। अभी सही आ रहा है ना, क्लियर आ रही है, नहीं आ रहा है प्रयाग, नहीं आ रहा है, अभी सही आ रहा है ना, अभी सही आ रहा है, ओके द ऑर्गेनल्स हैव अ सेम स्टेटस इन द सेल एज द ऑर्गन्स हैव अ एंटर बॉडी इन द एनिमल्स। देखो बच्चों, मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या चीज़ लिखी है, अभी थोड़ा मेरा ध्यान इस पर लग रहा है कि ये वर्क नहीं सही से कर पा रहा है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एक बार ये सही से चलने लगे फिर मैं आपको सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। मैं वही देख रहा हूँ कि कुछ आई थिंक रुक रुक के चल रहा है ना, पर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई, क्या हुआ है मुझे पता नहीं चल रहा है। चलो देखो बच्चों क्या है, जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है, बॉडी में क्या है, सेल्स पाए, बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं, हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, सभी के सभी ऑर्गन्स एक तरह से फंक्शन करते हैं, ठीक है, सभी के सभी जितने भी ऑर्गन्स हैं सभी के सभी का अलग अलग फंक्शन होता है, वैसे ही हमारे सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिसको हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, और सभी लोगों का अलग अलग फंक्शन होता है, सभी के सभी अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सभी के सभी अलग तरीके से अपना वर्क करते हैं, ठीक है, तो ये होता है हमारे सेल ऑर्गेनल्स का फंक्शन, ठीक है, और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं सभी के सभी लिविंग पार्ट होते हैं। अच्छा, ये लिविंग पार्ट लिखने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे पार्ट भी होते हैं सेल के अंदर जो लिविंग नहीं होते हैं, जैसे कि हमारा सेल वॉल, सेल वॉल जो होता है प्लांट का वो लिविंग नहीं होता है, वो नॉन लिविंग होता है, ठीक है ना, तो ये आप याद रखिएगा कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं हमारे सभी के सभी सेल ऑर्गेनल्स हमारे लिविंग पार्ट होती हैं, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ द सेल की बारे में बात करते हैं, कौन से पार्ट हैं हमारे सेल्स के अंदर। तो देखो बच्चा, कुछ लिविंग पार्ट्स हैं कुछ नॉन लिविंग पार्ट है, कौन कौन सी लिविंग है कौन सी नॉन लिविंग है आप ध्यान से देख लीजिए। लिविंग पार्ट में आ जाता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, नॉन लिविंग पार्ट में आता है हमारा सेल वॉल, सिर्फ सेल वॉल वो भी प्लांट सेल का, मैंने बताया ना सिर्फ लिविंग सेल नॉन लिविंग थिंग्स में यही सिर्फ हमारा सेल वॉल आ जाता है, बाकी सब जितने भी होती हैं सभी के सभी लिविंग पार्ट होते हैं, ठीक है। लिविंग पार्ट अगर साइटोप्लाज्म के अंदर देखा जाए तो कौन कौन सी होती हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, राइबोसोम्स, लाइजोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, प्लास्टिड्स, ग्रेन्यूल्स, वैक्यूल्स और फैट ड्रॉपलेट्स, ये हमारे नॉन लिविंग पार्ट्स हैं इन द साइटोप्लाज्म में। अब न्यूक्लियस में कौन कौन से लिविंग पार्ट हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियाई, क्रोमैटिन फाइबर, वहीं पर नॉन लिविंग में आता है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, तो ये आपको याद रखना होगा, एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा लिविंग पार्ट है कौन सा नॉन लिविंग पार्ट है, तो इसके लिए आपको इसको याद करना होगा, समझ आया ना। आगे बढ़ते हैं, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में पढ़ लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है और हमारा सेल वॉल क्या होता है। देखो बच्चा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो पाया जाता है एनिमल्स के अंदर और सेल वॉल जो होता है वो पाया जाता है प्लांट्स के अंदर। आउटर कवरिंग जो होती है ना दैट इज सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, प्लांट के अंदर वही सेल वॉल कहलाता है जो आउटर कवरिंग होती है सेल की, वही सेल मेम्ब्रेन कहलाता है इन द एनिमल जो आउटर कवरिंग होती है, ठीक है। ईच सेल इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसी सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि भाई हमारा जो सेल है उस सेल की ये जो लेयर है ये प्लाज्मा को कवर किए, इसके अंदर जितने भी ये सब प्लाज्मा ही तो हैं, इसी प्लाज्मा को कवर करने वाला हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लियर हुआ। द सेल मेम्ब्रेन हैज अ फाइन पोर्स दैट्स विच सबस्टेंस मे एंटर्स और लीव द सेल, जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना उसके अंदर फाइन पोर्स पाए जाते हैं,
पोर्स मतलब छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। उन छेदों का काम क्या होता है? उनका काम होता है कि कोई भी अगर हमारे सेल के अंदर जाना चाहता है तो वो जा सके, और कोई अगर सेल के बाहर आना चाहता है तो बाहर आ सके। लेकिन बच्चा जो ये आने जाने की प्रक्रिया होती है ये सेमी परमिएबल होती है। कैसे होती है? सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब कि कुछ ही ऐसे पार्ट होते हैं जो हैं, कुछ ही सेलेक्टिव पार्ट होते हैं जो अंदर आ सकते हैं और कुछ ही सेलेक्ट हैं, तो इसे हम कहते हैं सेमी परमिएबल। क्लियर हुआ आपको? इट अलाउज ओनली सर्टेन सब्सटेंस टू पास थ्रू इट एंड प्रिवेंट इट अदर। ठीक है, अब बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल गिव शेप एंड कंटेन डिग्री ऑफ रिजिडिटी टू द सेल विदाउट इंटरफेयरिंग विद द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। देखो बच्चे, जो प्लांट के अंदर मैंने बताया सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन अगर हम सेल वॉल की लेयर को हटाएंगे ना तो अंदर सेल मेम्ब्रेन की लेयर हमें मिलेगी। सेल वॉल की लेयर को अगर हम हटाएंगे तो अंदर हमें सेल वॉल की सेल मेम्ब्रेन की लेयर मिलेगी। सेल वॉल का काम होता है कि हमारा जो प्लांट है, प्लांट का जो सेल है, ठीक है, प्लांट के सेल को एक शेप प्रोवाइड करना, उसको हार्डनेस प्रोवाइड करना। ठीक है, जो प्लांट का सेल होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, उसको हार्डनेस जो प्रोवाइड करने का काम होता है वो होता है हमारे इसी सेल वॉल का। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये आपको यहाँ पे सेल वॉल दिख रहा है। अच्छा, सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल जो होता है ये फ्रीली परमिएबल होता है। फ्रीली परमिएबल, फ्रीली परमिएबल का मतलब, फ्रीली परमिएबल का मतलब है कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इसके अंदर नहीं आ सकती, कोई भी चीज बाहर नहीं जा सकती, मतलब कि सभी चीजों को अलाउ करता है। कोई भी चीज है सबको अलाउ कर देगा कि आप अंदर आ सकते हैं, सभी चीजों को अलाउ कर देगा कि आप बाहर जा सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा क्या, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। अब आते हैं साइटोप्लाज्म पे। जितने भी आपको ये लिक्विड पार्ट दिख रहा है ना, दिस इज साइटोप्लाज्म, दिस इज साइटोप्लाज्म, ये सब हमारा साइटोप्लाज्म है। सेमी लिक्विड सब्सटेंस, इट ऑक्यूपाइज मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल विद इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर के जितने भी पार्ट हैं दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो आपको सेमी लिक्विड पार्ट दिख रहा है ना, सेमी लिक्विड, कौन सा? सेमी लिक्विड पार्ट, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप इट अपीयर्स टू बी कलरलेस, पार्शली ट्रांसपेरेंट एंड सम वॉट वॉटरी। जो ये होता है ना ये पार्ट हमारा, जब इसको हम साइटोप्लाज्म को जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये हमें कैसा दिखाई देगा? कलरलेस दिखाई देगा, कोई कलर नहीं होता। पार्शली ट्रांसपेरेंट मतलब कि ट्रांसलूशेंट दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा हमें ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। उसके बाद समहाउ वॉटरी, पानी की तरह दिखाई, कुछ पानी वाला सब्सटेंस है जो इसके अंदर दिखाई आपको देगा, ऐसे पानी जैसे लगेगा ना कि पानी है उसके अंदर काफी ज्यादा। ठीक है, मेनी केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, होते हैं। ठीक है, लिविंग साइटोप्लाज्म इज ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ सम मूवमेंट। जो साइटोप्लाज्म होता है आप देखोगे हमेशा वो मूवमेंट करता हुआ रहेगा, हमेशा एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट आपको दिखता रहेगा। ठीक है ना, मूवमेंट करता हुआ रहेगा, मूवमेंट करता रहेगा इधर उधर। ठीक है, और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर आपको ढेर सारे सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं, देखते हैं भाई सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं। इसमें आता है सबसे पहला, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्या आता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको हम कहते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो बच्चे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है, ये देख रहे हो आप ये डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक डायग्राम है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ER भी कहते हैं, ER। ठीक है, इज सो फाइन स्ट्रक्चर दैट इज एक्सिस्टेंस इज रिवील्ड बाय थ्रू अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तब जाके हमें ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दिया। ठीक है, इट इज इरेगुलर नेटवर्क ऑफ डबल मैम्ब्रेन डिस्टर्ब्ड ओवर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंटायर साइटोप्लाज्म इन द सेल। ये आपको एक डबल लेयर्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में क्या होता है, फैला हुआ रहता है। ठीक है,
इट इज आउटर एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कनेक्टेड विद द सेल मेम्ब्रेन। देखो बच्चा, जो आप देखोगे ना ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपको यहाँ से ये देख रहे हो आप यहाँ पे डायग्राम में, इस न्यूक्लियस से लेके पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म तक फैला हुआ रहता है, ठीक है ना। पूरा सेल मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन से पूरा न्यूक्लियस तक, पूरे अंदर साइटोप्लाज्म में पूरा फैला हुआ रहता है। तो ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एट इट्स इनर एंड इट इज कनेक्टेड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैंने बताया जैसा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंदर और बाहर से ये सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है, पूरा का पूरा फैला हुआ होता है। अच्छा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे ऐसे जो है, अगर इसके पास आपको छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स दिखाई देते होंगे, आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रेन्यूल्स लगे हैं, दिस ग्रेन्यूल्स आर राइबोसोम्स, वो राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। अगर अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ये राइबोसोम्स हैं, तब हम उनको कहते हैं RER, मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर यही राइबोसोम्स नहीं है तब हम उनको कहते हैं SER, मतलब कि स्मूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर हुआ। चलो, इट इज अ फॉर्म्स ऑफ सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। सपोर्टिव फ्रेमवर्क मतलब इस सपोर्ट करने का काम करता है ये। संगम लाल, लैग हो रहा है क्या? मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना आपको? भले ही थोड़ी पिक्चर आपको इधर उधर दिख रहा हो, आवाज क्लियर आ रही है, आपको समझ आ रहा होगा चीजें। संगम लाल प्रजापति, मुझे बताएं। चलो, तो सपोर्टिंग का काम जो होता है वो होता है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है ना। तो आगे का लेक्चर बच्चा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। आज क्या है, थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम मुझे लग रही है, काफी ज्यादा लैग कर रहा है वीडियो, ठीक है ना। तो आज की वीडियो को रहने देते हैं यहीं पे, काफी वीडियो लैग कर रहा है, आपको प्रॉब्लम भी हो रही होगी, समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो बच्चे काफी मुझसे कह रहे हैं कि सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। तो मिलेंगे बच्चा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन। बिल्कुल तैयार रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। कोई दिक्कत हो, कोई भी चीज हो, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बाय।